ठीक है। तो आज अब देखिए क्या हम करते हैं नया चीज़। सबसे पहले मैंने एक सीट इंसर्ट करी, ठीक है। इसके अंदर मैं गया डेवलपर इंसर्ट के अंदर और एक यहाँ से पिक्चर ली। जैसे आप हमको आप, मैंने आपको कॉम्बो बॉक्स टूल बजा बताया। अगर आपको एक्सेल या मतलब वेब सॉफ्टवेयर चलाने, तो उसके बाद आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउज़र। इस पर क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे। जैसे ही ओके करोगे तो आपसे पूछेगा, इसको आप ऐसे करके ड्रैग कर देंगे जितना आपको रिक्वायरमेंट होगी, ड्रैग हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ड्राइव मोड से हटाएंगे। ये इंसर्ट नहीं हो रहा, तो आपको 2016 में नहीं हो रहा। मैं इस पर करके देखता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाके एंड सबसे नीचे मिलता है, कहता माइक्रोसॉफ्ट वेब। इस पर क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे एंड इसको यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। कैन नॉट बी इंसर्ट ऑब्जेक्ट, तो हम 2007 पे करके देखते हैं, 2016 पे इंसर्ट नहीं हुआ। तो इंसर्ट के अंदर जाते हैं, मॉड्यूल यहाँ पर लेते हैं, मोर टूल्स के अंदर, देन आपको मिलेगा सबसे नीचे माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउज़र। इस पर क्लिक करेंगे एंड देन रन एंड इसको ट्रैक कर देंगे जितना हमें चाहिए होगा, तो बस ये ड्रैग हो जाएगा। ड्रैग हो गया, अब इसको डिजाइन मोड से हटा दीजिए। बस आप कुछ नहीं करिए, गूगल यहाँ पर जाइए, विजुअल बेसिक के अंदर आपके शीट वन है, शीट वन पे एक कमांड डाल दीजिए। यहाँ पर शीट वन को जैसे सिलेक्ट करोगे जनरल आ जाएगा, यहाँ से कर देना वर्कबुक और लिख देना शीट वन डॉट वेब ब्राउजर डॉट नेविगेट एंड देन बस आगे चली जाइए और डाल दीजिए URL क्या, www.google.com.in एंड देन बस। अब देखिए आपका चल जाएगा माइक्रो, आप इस पे जाइए, अब देखेंगे तो आपका माइक्रो चल रहा होगा, सॉरी शीट पे, ठीक है। अभी डिजाइन मोड से इसको हटा दिया, देन जैसे क्लिक करूँगा हमारा गूगल क्रोम चल जाएगा, इसको चल गया, रिफ्रेश, ठीक है। अभी कैन नॉट भी आ रहा है, इसका मतलब मेरा पाथ कुछ गलत तो नहीं है, लगता है वो भी लिखना पड़ेगा जो आगे लिखा होता है ना www.google.com, तो हमें वो भी लिखना होगा आई थिंक। तो हम गूगल पे गए, यहाँ पर गूगल की वेबसाइट भी सिलेक्ट करा, हाँ ऐसा ही होगा, तभी ये रीज़न है कि इसने उठाया नहीं है। तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर जाते हैं जहाँ हमारा गूगल है, इसको क्लिक कर दीजिए और कंट्रोल भी हो गया। अब देखते हैं इसको चला के यहाँ से, आ गया। अब गुड मॉर्निंग, आप लोग देखते हो गए सेकंड शेयर पर बैठे, आप लोग देखते हो गए कि आपके पास एक बैक बटन भी होता होगा, गुड मॉर्निंग, आपके पास बैक बटन होता है ना गूगल चलाते हो तब, तो आप कुछ मत करो, यहाँ पर इंसर्ट करो एक बैक बटन, इसको लिख दो बैक बटन, यहाँ बैक, ठीक है। और बस इसी माइक्रो के अंदर जाओ, इंसर्ट के अंदर एक माइक्रो लिख दो, मॉड्यूल्स के अंदर सब, देन बैक स्लैश वन, देन सीट वन डॉट वेब ब्राउजर डॉट गो टू बैक, बस इतना लिख दिया। देन इसको राइट क्लिक कीजिए, असाइन माइक्रो के अंदर आइए एंड इसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे अभी मैंने बोला मुझे एक्सेल की देखनी है, मैं एक्सेल के अंदर गया, एक्सेल बुक, ठीक है। अब इसको इंटर मार दिया मैंने, इंटर मार के चला दिया मैंने इसको, आगे मेरा परफॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये देखो रन देगा, आ गया गूगल से रिलेटेड, मेरी थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा आई थिंक, इसलिए हो सकता है वीडियो अपलोड पे लगी है ना, आ गया। अब मुझे कहा नहीं मुझे बैक जाना, मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं डायरेक्ट गूगल पे आ जाऊँगा, हाँ इससे लिंक हो गया। आपने कहा नेक्स्ट जाना है, इस पर क्लिक करूँगा नेक्स्ट बटन, देखिए यहाँ पर ये बटन है ना, इस पर जाऊँगा नेक्स्ट कर दूंगा बस। वो उससे खास अच्छा तो ये है, वो तो फिर अलग कोडिंग हो जाएगी, इसके लिए आगे चलना पड़ेगा। आप बस आप जाइए माइक्रो के अंदर और इसमें एक और माइक्रो बना दीजिए, बस यहाँ कोड लिख दीजिए सब, देन नेक्स्ट, देन बस। जैसे हमारे पास नेक्स्ट का होता है ना प्रीव्यू का होता है, बैक जाने का और उसके बाद दोबारा जाने का, तो यहाँ लिख दो गो शीट वन, शीट वन डॉट डॉट वेब डॉट गो टू फॉरवर्ड या होम या जो भी आपको डालना है यहाँ से डाल दो।
एंड देन देखिए, आपने बोला मुझे यहाँ पर यूट्यूब चलाना है तो यहाँ पर यूट्यूब लिख दिया, देन आपने कहा मुझे बैक जाना है तो आप बैक पर क्लिक कर दोगे, तो आप बैक आ जाओगे, नेक्स्ट करोगे तो दोबारा वहीं पहुँच जाओगे, राइट क्लिक असाइन आएगा नहीं, एक मिनट, राइट असाइन माइक्रो एंड देन नेक्स्ट, ठीक है। ये चीज़ थी आज के लिए कोडिंग, आप लिख लेना, दो लाइन की कोडिंग है जिससे आपका गूगल क्रोम इंसर्ट हो जाएगा आपके एक्सेल शीट पे। देन हम आगे चलते हैं, हमारा जो आज नया टॉपिक है हम उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। हमें किसके बारे में डिस्कस करना है, शीट हैंडलिंग के बारे में डिस्कस करना है, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम, मैंने कल आपको शीट के दो नाम बताए थे कि शीट के दो नेम होते हैं, एक आपका प्रॉपर्टी नेम होता है, दूसरा आपका कैप्शन नेम होता है। जैसे मैंने एक नया माइक्रो क्रिएट करा एंड देन बोल दिया सब फॉर शीट, तो आपको शीट के दो नाम समझ में आ गए थे कि शीट के दो नाम होते हैं, एक होता है आपका प्रॉपर्टी नेम जो आपको यहाँ विजुअल होता है, ठीक है, समझ में आ गया। एक शीट के क्या नाम होते हैं, दो नेम होते हैं, एक आपका प्रॉपर्टी नेम होता है, एक दूसरा कैप्शन नेम होता है। कैप्शन नेम कौन चेंज कर सकता है, कैप्शन नेम यूजर चेंज कर सकता है, और प्रॉपर्टी नेम प्रोग्रामर चेंज। जैसे हमें अगर मैं शीट वन, ये आपका क्या होता है, ये प्रॉपर्टी नेम होता है, ठीक है, और दूसरा शीट, और इसके अंदर मैं शीट का कैप्शन नेम डाल दूं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये कैप्शन नेम डॉट एक्टिवेट। हाँ, ये प्रोग्रामर के लिए। अब इसके बाद आता है आपका सीक्वेंस नंबर, किसका सीक्वेंस नंबर से कैसे चलेंगे हम लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद शीट के बाद आता है इंडेक्स नंबर। क्या आता है, शीट का इंडेक्स नंबर। जैसे मैंने बोला शीट नंबर 3 पे जाना है तो ये किसके नंबर चलेगा पैटर्न, इंडेक्स पे, जैसे शीट 1, शीट 2 एंड शीट आपकी 3, तो ये आपको क्या हो गया, ये इसका इंडेक्स नंबर हो गया। अगर आपकी शीट 3 सेकंड नंबर पे, मैंने यहाँ इंडेक्स नंबर 2 बोल दिया, तो किसको रीड करेगा, ये 2 को, जो सेकंड नंबर पे कोई भी शीट हो, चाहे आपकी शीट 1 हो चाहे आपकी शीट 3 हो, इसको कोई भी मतलब नहीं, ठीक है। अब बात आती है, सर आपने बता दिया कि शीट के दो नेम होते हैं, क्या होते हैं, शीट के दो नेम होते हैं, एक प्रॉपर्टी नेम होता है, दूसरा आपका कैप्शन नेम होता है, कि सर प्रॉपर्टी नेम कब यूज़ करेंगे और कैप्शन नेम कब यूज़ करेंगे। अगर आपकी शीट का नेम बार बार रीनेम हो रहा है तो सिचुएशन, जैसे अभी जैन था, जैन है ना, इसको कहता हूँ जैन, जैन, तो क्या होता है, आपकी शीट का नेम चेंज हो गया, क्या हो गया, जैन। कल मेरी शीट का नेम फैब हो गया, तो बार बार मैं इससे चलूंगा नहीं, क्या फिर मैं बार बार प्रोग्रामिंग के अंदर जाके यहाँ पर जैन करूंगा, फैब करूंगा, ये तो मेरे लिए यूजेबल नहीं है ना। तो उस सिचुएशन में हम किससे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी नेम से, किससे चलते हैं इसके, किससे चलेंगे हम लोग, इसके प्रॉपर्टी नेम से जो यहाँ पर दिखता है। उसके बाद आता है कैप्शन नेम। कैप्शन नेम क्या होता है, जो आपको यहाँ दिखता है। अब जैसे मेरी शीट का नेम है, मैं क्या करता हूँ, एक शीट इंसर्ट करता हूँ, एक महीने काम करता हूँ, इस शीट का नाम अप्रैल लगता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ, इस शीट को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, फिर एक नई शीट इंसर्ट करता हूँ, उसका नाम अप्रैल लग देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बार बार शीट डिलीट हो रही है, क्या हो रही है, शीट आपकी डिलीट हो रही है, उसका नाम क्या हो रहा है आपका, अप्रैल। तो इस समय हम इसकी प्रॉपर्टी नेम से नहीं चल सकते, क्यों नहीं चल सकते, क्योंकि देखो अभी शीट 1 है फिर 2 है, अगर मैं शीट को डिलीट कर दूंगा तो ये शीट 4, जब जो नेक्स्ट शीट इंसर्ट करूंगा उसका प्रॉपर्टी नेम चेंज हो जाएगा। अभी शीट 5 आई तो इसका प्रॉपर्टी नेम कितना है, 5। तो इस सिचुएशन में हम किससे चलेंगे, इसके कैप्शन नेम से। जैसे हम लोग बनाते हैं ना समरी, हमें समरी बनानी होती है, तो क्या होता है, अभी समरी बन गई, फिर नेक्स्ट टाइम बनाते हैं हम इसको डिलीट करते हैं, एक नई समरी बनानी, एक नई शीट को इंसर्ट करते हैं, उसका नाम हम समरी रख देते हैं। तो उस सिचुएशन में हम किसका यूज़ करेंगे, इसके कैप्शन नेम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लेकिन देखो कैप्शन नेम फिक्स है ना, यहाँ पर क्या है आपका, ये देखिए ना, शीट डॉट समरी। अब हम किससे जा रहे हैं, शीट को एक्टिवेट करो जिसका नाम क्या है, समरी। अगर मैं यहाँ बोल दूँ, आप उस शीट को एक्टिवेट करो जिसका नाम समरी है, अब इसको मतलब नहीं, चाहे वो शीट आपकी 2 हो चाहे 3 हो, बस आपका जो कैप्शन नेम है ना वो सेम होना चाहिए, स्पेलिंग भी गलत नहीं होनी चाहिए, वरना क्यों, क्योंकि जो आपने यहाँ डाला हुआ इसको ही रीड करेगा ये, ठीक है। अगर आपकी शीट का नेम बार बार रीनेम होता है तो उस सिचुएशन में आप किसका यूज करोगे, प्रॉपर्टी नेम का, और आपकी शीट का नेम फिक्स है, आप चाहे शीट इंसर्ट करो डिलीट करो, हमेशा शीट का नाम वही रहता है,
तो सिचुएशन में आप किसका यूज करेंगे, कैप्शन नेम। और अगर आपको इंडेक्स के हिसाब से चलना है, सीक्वेंस के हिसाब, आपको नहीं पता कि मेरी शीट कहाँ है, बस ये पता है कि आपको तीसरे नंबर वाली शीट है, ठीक है, तो उस समय आप किससे चलोगे, इसके इंडेक्स से। अब इसके बाद शीट में हम और क्या काम करते हैं, शीट को ऐड करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, शीट डॉट ऐड, ये किसका कोड होता है, शीट को ऐड करने का कोड होता है, इससे आपकी क्या होगी, शीट ऐड हो जाएगी, ठीक है। पेन दे, पेन तो लाया नहीं मैं ऐसे, आप लोगों के पास किसी पे एक्स्ट्रा पेन है तो दे देना, एक एक ही पेन है, इनको दे दो अभिलाष को। देन आप लोग शीट कैसे ऐड करेंगे, जैसे आप लोग यहाँ जाके शीट को ऐड करते ना, इस पे गए, इस पे क्लिक करके ऐड करते शीट, अगर प्रोग्रामिंग में शीट को ऐड करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, शीट डॉट ऐड, क्या लिखेंगे हम लोग, शीट डॉट ऐड। लेकिन ये क्या करेगा, ये जहाँ आप खड़े हो गए उससे पहले ये राइट क्लिक करेगा, इंसर्ट पे जाएगा और एक नई शीट को इंसर्ट कर देगा, ठीक है, एक नई शीट को क्या करेगा, इंसर्ट करेगा, तो आपकी एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी। बट ये क्या करेगा, जिस सीट पे आप खड़े हो उससे एक सीट पहले एक्टिवेट करेगा, क्या करेगा, जिस सीट पे आप खड़े हो गए ना उससे एक पहले सीट एक्टिवेट करेगा। आप कोई सी भी सीट इंसर्ट करके देखिए, जहां आप खड़े हो गए ना उससे पहले आपकी एक सीट एक्टिवेट होगी। आप चाहते हो कि मेरी शीट सबसे लास्ट में एक्टिवेट हो, तो जैसे ही आपने ऐड लिखा, देखो इसके बाद ऑप्शन है बिफोर, आफ्टर और काउंट। अगर मुझे बिफोर बोलना है तो मैं जहां खड़ा हूँ मैं बोल दूंगा शीट टू के पहले एक शीट इंसर्ट कर दो, तो जब ये कोडिंग रन होगी तो क्या करेगा, ये शीट टू से पहले क्या कर देगा, शीट को एक्टिवेट कर देगा। तो बिफोर है ना, देखो ये रहा, आप ये देखोगे तो ये इसका मतलब बिफोर ही तो है। बड़ी ब्रैकेट में क्या होता है, ऑप्शन होता है, आप डालोगे तो ठीक है, नहीं डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप बिफोर की जगह क्या डाल रहे हो, आप शीट लिख रहे हो ना कि शीट वन के पहले शीट को ऐड कर दो, ठीक है, वन आफ्टर लगाना, तो अभी देखो इतना समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को, ये क्या करेगा, नहीं जहां आपकी शीट वन होगी ना, पहली शीट होगी, उससे पहले राइट क्लिक करेगा, इंसर्ट पे आएगा और एक नई शीट को इंसर्ट कर देगा, ठीक है। देन आगे से जाओ, कमांड बिल्कुल आगे जाओ, अभी और बच्चे आएंगे, सब बैठे ना, आप नहीं बैठे, जाओ जल्दी आओ, अभी और भी तो आएंगे। देन इसके बाद शीट ऐड हो गई। अगर आपने कहा कि सर मुझे आफ्टर करना है, तो आफ्टर के लिए आप यहाँ पर कोमा लगा देंगे, जैसे आप कोमा लगाएंगे तो जंप किस पे हो जाएगा, ये आफ्टर पे जंप हो जाएगा। आप बोल दो फिर आफ्टर, सीट यहाँ पर कोमा लगा के, आप जैसे ही कोमा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आफ्टर, बस सीट का नाम डाल दीजिए। इसका मतलब जो भी सीट ऐड करेगा वो कब ऐड करनी है, सीट के इस बात करनी है, ठीक है। एक नई सीट ऐड करेगा और कब ऐड करेगा, आफ्टर, ठीक है। एक तरीका तो ऐसा होता है कि आप इस पर कोमा लगा दो, दूसरा तरीका होता है कि आप इस पर ऐसे लिख दीजिए आफ्टर एंड देन इक्वल शीट वन, तो ये तरीका भी ऐसा होता है। अगर आपको आफ्टर पे जंप करना है तो आप ऐसा लिख दोगे आफ्टर, कमेंट कैसे, नहीं नहीं वो नहीं चलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये डॉट लगाना जरूरी है, होता क्या है, अभी आप आगे चलोगे तो इसका पैटर्न समझ में आएगा कि हमने इक्वल लगा के क्यों करा, कि सर ये तो जब सिंपल आप कॉमे से आ रहा था, इसका एक तरीका है, जब आप आगे चलोगे ना इसी में एक टॉपिक आएगा उसको मैं आप समझाऊंगा। तो अगर आफ्टर पे जम होता है, एक तो आप कोमा लगा सकते हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर स्लैश इक्वल जो आपकी शीट का नाम होता है। अब आपने कहा सर मुझे ना क्या करना है, मुझे एक शीट, इसमें 10 शीट नहीं ऐड करनी है, मुझे यहाँ से नहीं करना, मुझे नई शीट कितनी ऐड करनी है, 10। तो आप यहाँ देखोगे सबसे एंड में क्या लिखा है आपका, काउंट, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कोमा काउंट देन इक्वल, कितनी शीट काउंट करनी है, मैंने बोला 10 शीट ऐड करनी, तो ये कितनी शीट ऐड करेगा इसमें, 10 शीट, ठीक है। आपने कहा सर मुझे शीट ऐड करनी है लेकिन सबसे आखिरी में ऐड करनी, कैसे, जो भी शीट मेरी एक्टिवेट हो उसके बाद हो, ऐसे ऐसे एक्टिवेट हो, तो सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपने आफ्टर दिया है ना और इसके अंदर वन डाला, इसकी जगह आपको अगर लास्ट में चाहिए तो उसमें लिखना पड़ेगा शीट
डॉट काउंट, ये क्या करेगा, शीट को ऐड करने से पहले शीट को काउंट करेगा कि शीट इसमें नंबर ऑफ शीट हैं कितनी, 1 है 2 है 3 4 5 6, उसके बाद ही शीट को ऐड करना शुरू करेगा। अगर आपको सबसे आखिरी में शीट इंसर्ट करने तो आप क्या कोड लगाओगे, शीट्स डॉट काउंट, और अगर आपको 10 कॉपी ऐड करनी तो क्या लिखोगे यहाँ पर, काउंट कॉमा देन 10, या फिर आप कॉमा लगा के 10 लिख दो तब भी आपकी वो शीट कितनी ऐड कर देगा, 10। तो ये आपका शीट को ऐड करने का तरीका होता है, समझ में आ गया, ठीक है। देन आगे इसका शीट पे और हम क्या करते हैं, शीट का कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, शीट कौन किसका कलर करना है हमने, वो शीट 1 डॉट टैब डॉट कलर, हाँ ओपन और क्लोज भी करते हैं, बीवी रेड, तो कौन सा कलर हो जाएगा इसके अंदर, रेड, मतलब बीवी विजुअल बेसिक। अगर एक्सेल लिखना है तो आपको एक्सेल ऐसे करके लिखना पड़ेगा, एक्सेल देन रेड, हाँ रेड। अभी हाँ अभी बता दूँ, जो कलर में ही कंडीशन लगाना जरूरी है, बाकी और जगह आपकी आती है, देन आपको समझाऊंगा, ठीक है। देन आगे देखिए, इसके बाद हम शीट को क्या करते हैं, शीट को कॉपी करते हैं, क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, शीट को कॉपी या मूव पे जाते हैं ना हम लोग, ठीक है, इस पे जाते हैं ना, और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, हो जाता है हमारा, ठीक है। अगर मुझे वीवीए से करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे शीट 1 डॉट कॉपी, किसके बाद रखनी है शीट कॉपी करने के बाद, मैंने बोला शीट, अभी इसमें भी देखो आपके पास दो ऑप्शन है, बिफोर देन आफ्टर, मैंने बोला शीट कहाँ ऐड कर कॉपी करनी है, शीट आफ्टर 1, मैंने कहा इस शीट को कॉपी करो और कहाँ पेस्ट कर दो, बिफोर, इस शीट के बाद, तो जहाँ आप खड़े होगे उस शीट को कॉपी, तो बिफोर आपको जैसे मैंने बताया है ना, अगर यहाँ पर देखो स्पेस मारो तो आप कहाँ पर हो उस समय, बिफोर पे हो, अगर आफ्टर पे जाना तब आपको कॉमा लगाना पड़ेगा ना, बिफोर पे आपकी कोई यूज नहीं, हाँ जैसे आप स्पेस मारोगे अपने आप आ जाते हैं, हाँ बस आपको कॉमा लगाते ही देखो बोल्ट हो जाएगा, अभी आपका बिफोर बोल्ट है, जैसे आप कॉमा करोगे किस पे पहुंच जाएगा ये आपका आफ्टर, हाँ वो भी कर सकते हैं लेकिन वो लेंदी है, उसका बहुत कम जगह यूज करते हैं जहां आपके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे, ठीक है। जैसे अभी इतना लेंदी पढ़ लाते हो, एक सिंगल कोड लगाने से अच्छा है, इतना लिखने से अच्छा है आप सिंगल कोड लगा लो, ठीक है, आगे समझ में, हाँ बिल्कुल सही दे सकते हैं, लेकिन अलग अलग बनवा बन करके देना पड़ेगा, एक साथ नहीं दे सकते, ठीक है। अब कॉपी हो गया, अगर आपको इस शीट में कॉपी करना है तो मैंने बोला शीट डॉट, जहां आप खड़े हो उस कॉपी को काउंट करो, कहां पेस्ट कर दो, सबसे लास्ट में, ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में जाएगी। फिर कॉपी को क्या करते हैं हम लोग, मूव करते हैं, कॉपी 1 डॉट मूव, आपको दिस रूप किस में मूव करना है उस फाइल का नाम डाल दीजिए, मैंने बोला शीट 1 पे जाना है, देन क्या करना है आपको, शीट डॉट काउंट, तो आपकी शीट कहां मूव कर देगा, इस जगह, इस जो आपकी फाइल ओपन है उस फाइल में सबसे एंड में, जैसे आपको इस फाइल को कॉपी करना है और कहाँ पेस्ट करना है, सबसे एंड में पेस्ट करना है, देन फिर इसके बाद हम ये कर लेंगे, क्यों खड़े हो कामरान, ओ शराब तुम आगे चले जाना थोड़ा, सचिन तो नीचे थोड़ा सा आगे हो जाना, आप भी थोड़ा अंदर हो जाओ, यहाँ आ जाओ शिव, थोड़ा सा हो जाओ, आप भी आ जाओ, इधर आ जाओ बैठे उसको, अभी तो आ जाओ, ठीक है। उसके बाद देखिए तो शीट को कहाँ करेगा, यहाँ पर आएगा सबसे एंड में, आप चाहते हो कि सर मेरे पास एक और फाइल खुली हुई है, क्या हुई है, मेरे पास एक और फाइल ओपन है, आप फाइल के अंदर गए, एक नई फाइल को ओपन करा यहाँ से, ठीक है, न्यू, और आपकी एक फाइल ओपन हो गई, ठीक है, एक नई फाइल आपकी ओपन हो गई, आप चाहते हो कि सर बुक टू के सबसे एंड में जाए, तो आपको क्या कोड लिखना पड़ेगा, विजुअल बेसिक में जाके शीट 1 डॉट मूव, उस फाइल का नाम यहाँ पर वर्कबुक, उस फाइल का नाम डालोगे बुक 1 डॉट शीट, कहाँ पर करना है, सबसे आखिरी में, तो इसके बैकग्राउंड में डाल दो शीट डॉट काउंट, तो क्या करेगा ये, हाँ मतलब सबसे आखिरी में चाहिए ना मुझे, अगर सबसे पहले चाहिए होगी तो मैं यहाँ कर दूंगा, मैंने बोला शीट 1 के बाद चाहिए, तो मैं यहाँ सिंगल ऐसे लिख दूंगा खाली शीट देन 1, तो सबसे लास्ट के लिए डॉट काउंट आएगा,
हाँ शीट डॉट कॉम। अगर आपने बोला कि शीट पहले के बाद चाहिए तो ऐसे लिखोगे आप, मतलब ये शीट ये लिख रहे हैं कि आप पहले इस फाइल पे जाइए। आप मूव करने के लिए क्या करोगे, जैसे आप इस फाइल को कॉपी मूव करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इस पर राइट क्लिक करोगे, मूव पे जाते हो, देन आपसे पूछता है कि इस फाइल में करना है या आपको दूसरी फाइल में करना है, पूछता है ना आपसे दूसरी फाइल में कब करना है, सबसे एंड में करना है या सबसे पहले करना है, आपसे ऑप्शन आते हैं ना मूव करते हो, तो वही आपसे यहाँ भी तो पूछ रहा है, वीवीए भी तो पूछ रहा है कि आपको जब मूव करना है तो कहाँ मूव करना है, इस फाइल में करना है या नेक्स्ट जगह करना है। हाँ, जो आपकी नई फाइल ओपन हुई है ना यहाँ पर बुक टू, उस पर जाएगा सबसे एंड में, उस जो आपने फाइल मूव करनी है उसको मूव कर देगा, ठीक है। देन आगे समझ में आ गया शीट को कॉपी कैसे करते हैं, शीट को मूव कैसे करते हैं। देन आगे और शीट पे हम और क्या करते हैं, शीट को प्रोटेक्ट करते हैं ना, जैसे कैसे करते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं, प्रोटेक्ट शीट में आते हैं और यहाँ से शीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं, करते हैं ना शीट को प्रोटेक्ट। अगर मुझे शीट को प्रोटेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम शीट्स डॉट प्रोटेक्ट। कौन शीट को प्रोटेक्ट करना है, मतलब शीट वन को प्रोटेक्ट करना है, एंड देन हम पर्टिकुलर शीट को कर रहे हैं, अभी आप जहां यहां खड़े हो तो ये शीट की बात हो रही है। वो ये आप समझे नहीं, इधर देखो इसका मतलब है शीट वन डॉट मूव, कहां मूव करना है। अगर आप नॉर्मल ऐसे डालोगे तो जो आपकी शीट ओपन है ना, जो आपकी शीट ये एक्टिवेट है, इसके सबसे एंड में वो पेस्ट कर देगा। आप चाहते हो कि नहीं सर, जो मैंने नई फाइल को ओपन कराई बुक टू नाम की, जो फाइल ओपन है इसमें सबसे एंड में पेस्ट करो, तो उसका नाम तो देना पड़ेगा कि आप सबसे पहले कहाँ जाओ, शीट जिस सीट पर करो उसको मूव पर क्लिक करो, फिर एक नई फाइल जो आपकी फाइल यहाँ पर एक्टिवेट है उसको दिखाओ और उसके सबसे एंड में पेस्ट कर दो। हाँ, उसके बाद शीट प्रोटेक्ट, हम शीट को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आप स्पेस मारोगे तो आप क्या देखो यहाँ पर स्पेस आ गए। अब सबसे पहले शीट में क्या आता है, जब भी आप शीट को प्रोटेक्ट करते हो राइट क्लिक प्रोटेक्ट, यहाँ पर आपके यहाँ पर पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन आता है, उसके बाद आप यूजर को क्या क्या अलाउ करना चाहते हो कि शीट को प्रोटेक्ट करने के बाद वो, अभी देखो शीट को प्रोटेक्ट कर दिया अभी कुछ भी नहीं कर सकता ना, देन इसको हम शीट को अनप्रोटेक्ट करें। मैंने कहा शीट को प्रोटेक्ट होने के साथ साथ वो कलर भी कर सके, तो आप क्या बोल दो फॉर्मेट सेल, तो क्या कर देगा, शीट प्रोटेक्ट होने के बाद कुछ भी नहीं कर सकता बट क्या कर सकता है, कलर कर सकता है, ठीक है। तो यही कंडीशन आपको कहाँ देनी है, वीवीए में देनी है। हाँ कर सकता है अनप्रोटेक्ट कर सकता, हाँ यहाँ देखो आगे ना, अगर जब तक यहाँ पासवर्ड आपने डालो, आपने बोल दिया सर मुझे पासवर्ड यहाँ डालना है, ठीक है AB123, ये आपका पास, जब तक उसको पासवर्ड नहीं डालेगा तब तक ओपन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या, जैसे मैं शीट को प्रोटेक्ट अभी कर रहा हूँ लेकिन पासवर्ड मैं डाल नहीं आता, मैं राइट क्लिक करा शीट को प्रोटेक्ट करा और यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया AB123, डाल गया पासवर्ड, फिर दोबारा कन्फर्म करना पड़ेगा AB, ठीक है हो गया। अब देखो मैं सीट को अनप्रोटेक्ट करूंगा तो मुझे पासवर्ड तो देना ही पड़ेगा। हाँ कॉपी पेस्ट कर सकता है, उसके लिए भी आपको क्या बताया था मैंने, जब आप शीट को प्रोटेक्ट करते हो तो क्या कर देते हैं हम उसमें, हम इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट में जाके हम दोनों पे टिक हटा देते हैं, तीनों पे टिक हटा दो एंड देन आप इस पर पासवर्ड डाल दो आप AB123। अब नहीं कर सकता, वो तरीका तो लास्ट है, वो तो आपका अल्टरनेटिव तरीका है ना। अब देखो ना तो शीट को कॉपी कर सकता, पहली बात है आपका कल्सर ही नहीं जाएगा तो कॉपी करने की बात ही नहीं रही, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, अब आपने पासवर्ड डाल दिया, आप चाहते हो कि सर मैं उसको फॉर्मेटिंग करने वो चाहता हूँ कि कलर कर सके, शीट लॉग होने के साथ साथ क्या कर सके, कलर। अब देखो कलर आपको कितने नंबर पे, आप यहाँ को ढूंढना पड़ेगा, कलर है नहीं आई थिंक, इसमें शॉर्टिंग है, तो अगर मुझे शॉर्टिंग पे जाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोमा ऐसे लगाने पड़ेंगे, कितने सारे कोमा लगाने पड़ेंगे है? हाँ इस सिचुएशन में देखो, इसने जो आपका क्वेश्चन था ना वो यहाँ खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना लंबा आप जाओगे सच आप लिख दोगे, लेकिन एक चीज याद रखना, आपने पासवर्ड तो सर इस पैटर्न में लिखा है लेकिन और आप चाहते हो शॉर्टिंग में, उस पैटर्न में नहीं चलेगा आपको। अगर आपने अप्लाई करना दोनों एक जैसे अप्लाई करने पड़ेंगे, पासवर्ड देन आपको दिस एंड यहाँ से आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा ऐसे करके, देन आपको शॉर्टिंग पे जाना है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा अलाउ, क्या लिखना पड़ेगा, शॉर्टिंग कॉमा इज इक्वल टू ट्रू।
अब देखो आपके मन में ये आएगा, सर आपने कहीं तो आप ट्रू लगाते हो और कहीं आप नंबर डालते हो। एक चीज याद रखना, जब भी एक्सेल ऑप्शन के अंदर क्या पासवर्ड था, AB123 राइट क्लिक करके जब शीट प्रोटेक्ट करते हो ना आप, यहाँ पर ये आगे चेक्स बॉक है, इस पर आपको नंबर टाइप करने होते हैं ना, जैसे आप नंबर टाइप करते हो कुछ भी, तो यहाँ पर अगर कुछ भी टाइप करना है उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यू लिखोगे। और यहाँ पर देखोगे सेकंड ऑप्शन क्या है, हमारा चेक बॉक्स है ना, चेक बॉक्स के लिए VVA क्या यूज करता है, ट्रू फॉल्स। अगर ट्रू करोगे तो इस पर टिक करेगा और ट्रू नहीं करोगे तो इस पर टिक हटा देगा। ये दूसरी चीज है, अभी आप VVA में आप जो आप देख रहे थे वो इनपुट बॉक्स था, ये आपके बीसी का डायलॉग एक्सेल का डायलॉग बॉक्स है। आप जब भी फॉर्मेटिंग प्रोटेक्ट करते थे बॉक्स खुल के आता है। अब सर आपने कहा कि सर मुझे ना इसमें शॉर्टिंग को अनेबल करना है, तो आप मैनुअली जाके शॉर्टिंग पे टिक करते हो ना, होता है ना ऐसी। अगर इसमें अलाउ करना है कि आप चाहते हो कि शीट प्रोटेक्ट होने के बाद भी वो शॉर्टिंग करता रहे, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ट्रू। हाँ अपने आप ही क्लिक कर, हाँ कहीं भी यूज हो जाएगा। शीट को प्रोटेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो, शीट को डिलीट करते हो, शीट को डिलीट करते हो ना। हाँ अब शीट वन डॉट डिलीट, यही तो करते हो। लेकिन आप देखते हो जब भी आप शीट को डिलीट करते हो, जैसे आपने यहाँ खड़े हो शीट को जब डिलीट करते हो तो एक पॉपअप आता है ना, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्ले अलर्ट। अब सपोज आपके पास 500 सीट है, आपको उसमें से 50 शीट डिलीट करनी है, तो ये बार बार पॉपअप आता रहेगा, आप इस पर यस करते रहोगे, यही करना पड़ेगा ना आपको मैनुअली। तो आप जब अगर शीट को डिलीट करोगे तो उससे पहले एक कोड लिख देना ऊपर, तब इस तरह का पॉपअप नहीं आएगा, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले। आप अभी समझे नहीं, आप अगर प्रोग्रामिंग करते हो तो आपके पास 500 सीट है, उसमें आपके कुछ ऐसी शीट भी होंगी जो आपके लिए यूजेबल नहीं है। जैसे आपने एक एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको, देखिए अब इसी पे एक क्वेश्चन देखो हम करते हैं। मेरे पास एक UF नाम की एक फाइल है, ठीक है ठीक है। अब सर ने मुझसे कहा है कि इसके अंदर ना आप क्या करो, हर डिपार्टमेंट की यहाँ पर शीट बनाओ, जैसे दिल्ली आगरा आसाम जितनी भी मेरे पास सिटीज हैं उनकी यहाँ पर आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर लगा दिया हमने, फिर हम पहले दिल्ली की करेंगे, यहाँ से दिल्ली की करते हैं ना, दिल्ली की होती है, फिर हम कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं, पूरे एरिया को कॉपी करते हैं, नई शीट को इंसर्ट करते हैं, शीट का नाम क्या कर देते हैं, दिल्ली। तो सर ने मुझसे क्या किया कि आप ऐसा करो कि ना मुझे यहाँ पर हर डिपार्टमेंट की सिटी ला के दिखा दो। तो अब लेंथी प्रोसेस हो गया, तो मैंने क्या करा, मैंने इसकी एक रिकॉर्डिंग करी। सबसे पहले मैंने गया डेवलपर टैब के अंदर और मैंने यहाँ से एक रिकॉर्डिंग कर ली, रिकॉर्डिंग हो गई। मैं गया, मैंने पूरे एरिया को कॉपी करा, एक नई शीट को इंसर्ट करा और शीट का इस पर जाके इसमें जो डुप्लीकेट से उसको डाटा में जाके रिमूव कर दिया, जिससे क्या हो गया, मेरा यूनिक बचे मेरे पास, डुप्लीकेट किससे हो गए, रिमूव हो गए, हो गया रिमूव। देन इस शीट का नाम रख दिया मैंने टैम्प, टैम्प हो गया देन, ठीक है। एंड देन फिर मैंने यहाँ क्लिक करा, उसके बाद मैं नीचे आया, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, और इस माइक्रो को यहीं स्टॉप कर दूंगा, हो गया मेरा, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, जब भी मैं इस माइक्रो को रन करूंगा तो वो क्या करेगा, बस मैं छोटी सी गलतियाँ उसको क्या हमें ठीक करना है। सबसे पहले इस शीट को हमें हटाना है, जो हमारे पास ये है, सॉरी ये वाला शीट है ना, हमेशा किसको ढूंढेगा, शीट थ्री को, इसको डिलीट मारेंगे, यहाँ पर क्या है, इसको डिलीट मारेंगे, उसका नाम क्या रख देंगे, एक्टिव शीट, ठीक है। बाकी A1 से स्टार्ट हो रहा है इसको हटा देंगे यहाँ से, A1 से कर देंगे, ठीक है। देन बाकी हम चलने देंगे, कोई इशू नहीं है, इसके बाद बाकी हमारा परफॉर्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस माइक्रो को रन करूँगा तो क्या करेगा, एक नई शीट पहले इस डाटा को कॉपी करेगा, एक नई शीट इंसर्ट करेगा, उसमें जो डुप्लीकेट होंगे उसको रिमूव करेगा। देखिए मैं गया कहाँ पर, रिकॉर्डिंग के माइक्रो के अंदर, कौन सा माइक्रो, मैंने माइक्रो वन, जैसे मैं इसको रन करूँगा देखो आपकी एक नई शीट इंसर्ट हो गई और उस पर यूनिक डाटा आ गया, ऑटोमेटिक आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसके बिहाफ से सारी शीटों को अलग करना है। आप कोडिंग पे मत जाना, पैटर्न को समझना जो क्वेश्चन क्या था, ठीक है। अब मुझे शीट अलग अलग करनी है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक रिकॉर्डिंग करूँगा, मैं रिकॉर्डिंग माइक्रो के अंदर आऊँगा देन रन। मैंने कहा कि सर मुझे यहाँ पर दिल्ली चाहिए, तो मैंने पहले इस पर क्लिक करा, मैंने क्या किया, मैं फिल्टर के अंदर गया, मैंने बोला सर मुझे दिल्ली चाहिए, दिल्ली का ओके करा, फिर पूरे पहले फिर यहाँ पर गया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आर करा, देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन करा एंड कॉपी करा, एक नई शीट को इंसर्ट करा,
एंड देन कंट्रोल वी कर दिया और स्टेट का नाम क्या रख दिया मैंने, दिल्ली हो गया। एंड देन इस पे इंटर मारा और इस माइक्रो को क्या कर दिया, उसके बाद शीट वन पे जाके मैं शीट वन को एक्टिवेट कर दिया। हाँ, इससे बेनिफिट है कि जब वो कॉपी पेस्ट करने के बाद मेरा कहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक, शीट वन पे। ये बार बार देखो हो गया है। अब मैं शीट को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गया। अभी देखिए मैं सबको डिलीट कर दिया, मेरे पास कोई शीट नहीं है। अब यहाँ देखिए मैं माइक्रो के अंदर गया, मेरे पास कौन सा माइक्रो बनाया मैंने, माइक्रो टू, देन यहाँ से ऐड आ गया। ये कोडिंग आ गई, सबसे पहले मेरा कर्सर कहाँ जाएगा, ए वन पे, पूरा एरिया को सिलेक्ट करेगा। इसको तो मैं हटा सकता हूँ ना, कल आपको समझाया था इसके बारे में मैंने। फिर सिलेक्शन हो रहा है, नई शीट को एक्टिवेट कर रहा है शीट फाइव, इसको डिलीट कर देंगे, ये हमारे लिए यूजेबल नहीं है कोड। देन यहाँ पर जो हमारा कोड है इसको भी हटा देंगे और क्या बोल देंगे, एक्टिव शीट, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमेशा किसको करेगा, दिल्ली को। तो यहाँ पर एक कोड मेरे पास है, वो कोड मैं लिख देता हूँ, जिसका नाम है डिम आर एज अ रेंज। डिम क्या, डिम फॉर डायमेंशन देन रेंज। अब मैं बोलूँगा फॉर इच, इस कोड पे मत जाना, फॉर इच आर इन सिलेक्शन, ठीक है, एंड शीट वन डॉट एक्टिवेट शीट होगी। एंड देन जहाँ जहाँ मेरा आर है, जहाँ जहाँ मेरा दिल्ली, उसकी जगह दूँगा आर डॉट वैल्यू। हाँ, अभी देखो दिल्ली करोगे तो खाली दिल्ली ही आएगा ना, आर डॉट वैल्यू। इस कोड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अगर डीपली नॉलेज दूंगा तो ये कोड आपकी कम से कम नहीं तो अभी 10-12 क्लास के बाद आएगा वाला कोड, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना है, जब भी मैं इस माइक्रो को रन करूँ तो सबसे पहले वो क्या करे, इसमें से यूनिक डाटा को ढूंढे। अब देखो आपने ये माइक्रो बनाया कौन सा, यूनिक के लिए, इस माइक्रो को इसके अंदर कॉल करना है, सिर्फ इसका नाम कॉपी कर लीजिए। क्या कीजिए, बस खाली माइक्रो का नेम कॉपी कर लीजिए, कॉपी कीजिए और सबसे ऊपर जाके पेस्ट कर दीजिए। तो अभी क्या हो गया, इसका नाम पहले, जब भी ये माइक्रो चलेगा टू, तो सबसे पहले कौन सा चलेगा, माइक्रो वन। अभी इसके बाद ये देखिए, हाँ अभी उसके बारे में देखो तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ उसको मैं। देखो जो करिश्मा का क्वेश्चन है उस पैटर्न के साथ हम डीट, जब शीट को इंसर्ट करें तो डिलीट क्यों कर रहे हैं हम, तो वो क्वेश्चन बता रहा हूँ। आ गया, शीट एक्टिवेट हो गई मेरी, समझ में आ गया। देखिए अब मैं इस माइक्रो को, हाँ देखिए देखिए ऊपर देखिए, पहले मैंने कल्सर चलाया यहाँ पर माइक्रो। अभी देखिए फार्मूला ब्रेक है, सबसे पहले एक चीज़ और मिस कर दी मैंने, यहाँ पर लिख देते हैं नेक्स्ट आर। अब देखिए मैं माइक्रो रन करूंगा, सबसे पहले माइक्रो कहां पर आ गया, माइक्रो टू नेम आया, देन यहां क्या आ गया, माइक्रो वन। जैसे ही माइक्रो वन चलेगा तो कल से काम पहुंच जाएगा, माइक्रो नेम जहां होगा वो आ गया। देन पहले आपका सी कॉलम जाए आई पे, ये वाला आपका कॉलम चेक करेगा यहां पर, ठीक है। देन उसको कॉपी करेगा, कॉपी करा, ठीक है, एक नई शीट को ऐड करेगा, उस शीट पे पेस्ट करेगा, देखो पेस्ट हो गया, ठीक है। उस शीट में से जिसमें डुप्लीकेट होंगे उसको रिमूव करेगा, ठीक है। अभी देखो गलती क्या हो गई, यहाँ पर पहले से फिल्टर लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, फिल्टर, तो उसने क्या करा, इतने एरिया को ही कॉपी करा, तो इसमें से हम फिल्टर हटा देंगे, देन इस शीट को डिलीट कर देंगे एंड नई शीट को ऐड करेंगे। जब प्रोग्रामिंग करते हैं थोड़ी बहुत मिस्टेक होती रहती है, फिर हम धीरे धीरे चेंजेस करते हैं। देखो मैं माइक्रो टू को चलाया F8, माइक्रो वन, पहले माइक्रो वन पे जैसे चला गया, आई आई बाय आई कॉलम को कॉपी करेगा, कॉपी हो गया, देखो आगे सिलेक्शन हो गया, पूरी शीट को कॉपी कर लिया इसने, एक नई शीट को ऐड करा, यहाँ पर पेस्ट करा, ठीक है। उसके बाद इसने क्या करा, इसमें से यूनिक रखे, फिर आपके कल्सर को कहाँ ले गया, A2 पे ले जाएगा, और फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन ऐसे इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद एक माइक्रो क्या करेगा, उसके बाद ये माइक्रो जब खत्म हो जाएगा आपका माइक्रो वन, तो किस पर डायरेक्ट किस पर आ जाएगा, आपका माइक्रो टू पे। देन फिर सबसे पहले मैंने बोला कहाँ जाओ आप, शीट वन पे जाओ, ठीक है, शीट वन, इसके अंदर शीट वन एक्टिवेट स्पेलिंग, ठीक है, शीट वन डॉट एक्टिवेट, तो आपकी शीट वन पे आ गया। देन मैंने बोला कहाँ जाओ, आपका कल्सर कहीं भी कहाँ पहुँचो ऑटोमेटिक, रेंज A1 पे, कल्सर कहाँ आ गया आपका A1 पे। फिर मैंने क्या बोला, ऑटो फिल्टर लगाओ, इसने फिल्टर लगाया, एक नई शीट, फिर कहाँ गया कल्सर मेरा, A1 पे पहुँच गया, फिर पूरी सिलेक्शन करा,
फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन करा, शीट को कॉपी करा, एक नई शीट को ऐड करा, ऐड हो गया आपका, और शीट को पेस्ट करा, उस शीट का नाम क्या रख दो, जो शीट पे नाम हो, आ गया दिल्ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर आप, मैंने बोला कहाँ जाओ, रेंज A1 पे जाओ, ठीक है। फिर देखो अभी R पे आ गया, दोबारा माइक्रो चलेगा, ठीक है। और ऐसी आपकी नई जितनी भी आपकी शीट होंगी, नंबर ऑफ शीट काउंट हो जाएंगी। देखो नीचे अपने आप शीट इंसर्ट होती जा रही है। हाँ, दिखा रहा हूँ करिश्मा, एक मिनट रुकिए। हाँ, नेक्स्ट आर से मतलब, नेक्स्ट आर का मतलब जितना आपके पास डाटा उतनी बार इसको रन दो। अगर सिटी आपके पास 500 होगी ना, तो 500 बार रन करेगा ये। हाँ, सिटी के अकॉर्डिंग साठ। यूनिक निकाले थे उसके अकॉर्डिंग करेगा। अगर यूनिक जितने आपके, अगर 100 होंगे तो 100 करेगा, अगर 10 हैं तो 10 करेगा, ठीक है। नहीं, जितनी बार आपके पास यूनिक डाटा को उतना ही करेगा, ये बंद हो जाएगा अपने आप। हाँ, यूनिक जैसे आपकी शीट में 500 डाटा है, उसमें 100 यूनिक है, 400 आपके डुप्लीकेट है, 100 में ही चलेगा और बाकी नहीं चलेगा। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन आएगा, अब क्लोज हो गया। अब देखिए अभी चल रहा है माइक्रो, इसके अंदर आपके पास काफी शीट है, इसका मतलब। हाँ, F8 दबा रहा हूँ, शॉर्टकट है F8। अभी देखो बेस्ट बंगाल आ गया, शायद आप खत्म हो जाए। देखो खत्म हो गया, माइक्रो हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर करिश्मा का क्वेश्चन समझ लीजिए, उसमें उनका क्वेश्चन क्या था, उनका था कि सर आपने ये माइक्रो बना दिया, बन गया। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे कि मेरी सारी एरिया की फाइल अलग अलग हो गई, सिटी की अलग हो गई, आसाम की अलग हो गई, बिहार की अलग हो गई, लेकिन मेरे पास एक ऐसी फाइल है जो मेरे लिए यूजेबल नहीं है। ये फाइल मेरे लिए यूजेबल है क्या? नहीं है। हमारा खाली इसका यूज क्या था? यूनिक निकालने का था। उसने डाटा अलग कर दिया, उसके बाद शीट को हमें डिलीट करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा ना, मैनुअली डिलीट। अपने आप तो डिलीट नहीं गई है, आपको मैनुअली करना पड़ा। आप चाहते हो कि जब मेरी प्रोग्रामिंग खत्म हो तो उसके बाद ये फाइल ऑटोमेटिक क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो आप कैसे लिखते हैं, डिलीट और स्लैश यहाँ पर डाल देते हैं। किस नाम से बनती है हमारी फाइल, वो टेम डॉट डिलीट, कुछ नहीं, डिलीट लिख दो। हाँ, आगे अब देखो उसमें बेनिफिट क्या हुआ, आपको मैनुअली डिलीट करी थी, प्रोग्रामिंग वो क्या करेगा, अपने आप इस फाइल को डिलीट कर देगा। तो आपको पता ही चलेगा बैकहेंड में कोई शीट टैम के नाम से कोई फाइल बनी है। हाँ, अभी देखिए, यहाँ देखिए, अभी हैं एंड में थी वो शीट, तो एंड का नाम भी तो दे सकते थे, मतलब नहीं, अभिलाष सबसे एंड में थी, कल को मुझे क्या पता बीच में हुई, तो आप शीट का कैप्शन नेम डाल दो, सबसे ईजी रहेगा। तो एंड में डिलीट कराया ना, जब ये प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद तो हमारा कोई यूज नहीं है। अभी देखिए, लिंक नहीं है वो, हम कोडिंग में ले रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। दिखाता हूँ मैं अभी, एक मैं पूरी फाइलों को डिलीट मार दिया, मेरी सारी फाइलें डिलीट हो गई। अब देखो शीट वन है, मैंने कहा था अगर आप कोडिंग पे जाओगे तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपको अभी फोर इच नहीं पता, फोर आई नहीं पता, डू नहीं पता, वाइल नहीं पता, किस लिए यूज होता है। बस हमारा मेन मोटिव क्या है कि जैसे आपने शीट को इंसर्ट करते हैं, अब देखो दोबारा रन कर रहा हूँ हमारा, देखो हमने पहले इस माइक्रो को रन करा, माइक्रो टू पे गए, देन आपका माइक्रो वन रन हुआ, देन ऊपर गया, पूरे एरिया को कॉपी करा हुआ, एक नई शीट को ऐड करा, इसमें से आपको डुप्लीकेट करके पेस्ट कर दिया, हो गया एरिया पेस्ट। अब इसका यूज कब तक है? तब तक ये माइक्रो चले, उसके बाद तो कोई यूज नहीं है ना इसका। देखिए माइक्रो चल रहा है अपने आप, अगर मैं F5 बटन दबा दूंगा तो एक बार में रन हो जाएगा, लेकिन मुझे आपको दिखाना है। हाँ, अभी डिलीट नहीं, हमने डिलीट किया तो कोडिंग है ना, कोडिंग तो आप जितनी बार रन करोगे उतनी बार रन हो जाएगी, हो गई। देखो अब आ गया डिलीट के लिए। हाँ देखो ये डिलीट आ गया। अब आप ये पूछ रहे हैं कि आपको टैम फाइल डिलीट करनी है, मैंने डिलीट नहीं करी। अब इससे सर के, अब जैसे जो आपके सीनियर या जो आपके मैनेजर टाइप में, वो आपसे कहते हैं कि यार तू इस फाइल को ना कोडिंग के साथ ही डिलीट कर दे, जब इसका यूज खत्म हो जाए तो ये फाइल कैसे हो जाए, डिलीट हो जाए। तो इससे करने से बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि मैं यहाँ पर सबसे नीचे लिख दूंगा शीट डॉट टैम्प डॉट डिलीट, लेकिन ये क्या, जब भी आप शीट को डिलीट करोगे तो क्या आएगा आपका, ये पॉपअप आता है। इस पॉपअप को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले डिस्प्ले अलर्ट इज इक्वल टू फॉल्स।
ऑन एरर नहीं ना, आपको डिलीट करनी तो ऑन एरर क्यों रखो, जब ऑन एरर तब लगाते हैं जब आपकी जेन्युइन एरर हो एप्लीके, क्योंकि आप जो आप ये होता ना ये नहीं इधर आप अगर जैसे ये है ना ये एक्सेल की एप्लीकेशन है, क्या ये एक एप्लीकेशन है, मैं चाहता हूँ कि इसकी एप्लीकेशन जो ट्रू हो रही है पहले उसको फॉल्स कर दो, मतलब इस पॉपअप को आप ओपन ही मत करो, तो आपको फॉल्स करना पड़ेगा, वैसे ऑलरेडी ये ट्रू है कि आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो डिलीट का पॉपअप आएगा, आएगा ना पॉपअप विस्म अपॉजिटिव। बट अब क्या है कि ये अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो ये हर किसी में सेम ऐसे आपसे पूछेगा नहीं, मैं चाहता हूँ बस इस फाइल के लिए हो, तो आपको यहाँ पर ट्रू भी करना पड़ेगा नीचे, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू ट्रू, मतलब हमने एक फाइल के लिए करा है, किस फाइल के लिए, खाली टैम फाइल के लिए। अब देखिए मैं इस फाइल को क्या करूं, एक मिनट, इस पे गया और सबसे एंड में जाके मैंने सारी शीटों को सिलेक्ट कर लिया और इसको डिलीट कर दिया, हो गया। अब देखिए मैं इस माइक्रो को एक बार रन करके दिखाता हूँ, अपने आप ये सारी फाइलों को इंसर्ट करेगा और टैम फाइल को ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा। आप जाओगे माइक्रो के अंदर, कौन सा माइक्रो, आपका माइक्रो 2, देन क्लिक करो एंड रन पे क्लिक कर दो। अभी पहले से कोड मोड ब्रेक में, तो उसको यहाँ से हटा दो, कोड मोड ब्रेक में से हट गया, देन इसके बाद आप जाइए माइक्रो के अंदर, रन एंड देन क्लिक, देखिए अपना बैकएंड में फाइलें क्रिएट कर रहे हैं, नहीं खाली यहाँ पर जाके क्लिक कर दिया मैंने, देखो एफर्ट आपको दिखाने के लिए सिखाने के लिए करता है कि वन, अगर आप ये करोगे तो आपको कल से काम पहुंच जाएगा, आप ये करो, देखिए ना आप ही देखिए नीचे गायब हो गई होगी फाइल, नहीं आता कोई भी नहीं आता, देखो स्पेस आएगा ही नहीं, कहाँ पर डाला था नहीं वो तो ये रहा, देखो बताने में यहाँ पर है ही नहीं ना, ये इसके लिए अलग से ही डालना पड़ेगा, ये कोड आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए कहता हूँ कि हर कोड को आपको याद करना और लिखना है कि अगर डिलीट करना है तो आपको एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, देन अपने टॉपिक के पहुँचते हैं तो हम इसलिए इसका यूज करते हैं, शीट अलर्ट अगर डिलीट करनी है तो इस पैटर्न में चलेंगे, देन फॉल्स, उसके बाद एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू ट्रू आ गया, ये आपको शीट डिलीट करने का कोड है। दूसरा शीट पे और क्या करते हैं हम लोग, शीट को हाइड भी तो करते हैं, राइट क्लिक करके शीट को हाइड कर देते हैं, हाइड हो जाती है हमारी, शीट को अनहाइड करना होता है तो क्या हम लोग क्या करते हैं, शीट क्लिक देन अनहाइड, तो शीट को अगर हाइड करना है तो हम क्या लिखेंगे, शीट 1 डॉट, और यहाँ पर हाइड की जगह आपको लिखना पड़ेगा विजुअल, एंड देन जैसे आप, अब बताइए मैं इक्वल लगाऊंगा या फिर स्पेस मारूंगा, एंड का निशान है तो एंड का निशान क्या बताता है, इक्वल बताता है, देन अब आता है एक्सेल हाइट, अगर मैं हाइट करूंगा तो मेरी फाइल हाइट हो जाएगी, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि जैसे हम लोग इस पर राइट क्लिक करके हाइट करते हैं ना तो हाइट हो जाती है, लेकिन कोई भी इसको अनहाइट कर लेता ना अनहाइट, हम चाहते हैं कि यूजर जो इसको चला रहा है एक्सेल को वो इसको अनहाइड ना कर सके, तो उस सिचुएशन में हम दूसरा कोड लिखते हैं, कौन सा, शीट 1 डॉट विजुअल इक्वल टू एक्सेल वेरी हिडन, वेरी हिडन क्या करता है, शीट को ऐसा हिडन करेगा कि मतलब यहाँ आपको पता ही चलेगा कि कोई शीट आपकी है हिडन भी है, ठीक है, फिर यहाँ से अनहाइड नहीं होगी ना, ठीक है, अगर आप यहाँ वेरी हिडन लगाते हो तो आपकी कोई भी शीट अनहाइड नहीं कर सकता, खाली प्रोग्रामर ही शीट को अनहाइड कर सकता है, किसी को पता भी नहीं होगा कि बैकहेंड में आपने कोई शीट को हाइड, तो प्रॉपर्टी में तो प्रोग्रामर तो आप ही हो ना, आप ही चेंज कर सकते हो ना, यूजर कोई करेगा, यूजर को पता ही नहीं कोई शीट इसमें बैकहेंड में है, ठीक है, अगर शीट को ऐसे करना है, ठीक है। आप सर एक चीज ऊपर रह गई थी हमारी कि सर आप शीट को यहाँ तो प्रोटेक्ट कर रहे हो, जैसे आप राइट क्लिक करके यहाँ जाते हो ना, राइट क्लिक करके शीट को प्रोटेक्ट तो कर दिया आपने पासवर्ड डाल के, बट सर अगर प्रोग्रामिंग से इसी शीट को अनप्रोटेक्ट करना हो तो क्या करोगे, आपने तो बताया नहीं वो, तो उसके लिए आपको शीट प्रोटेक्ट करते हो, उसी के लिए आप यहाँ पर शीट लगाओ, शीट 1 डॉट अनप्रोटेक्ट एंड देन उसका पासवर्ड डाल दोगे जो आपका पासवर्ड होगा AB 1 2 3 4 6, शीट जो आपकी प्रोटेक्ट होती है, जैसे आपने यहाँ पर शीट को प्रोटेक्ट कर रखा है, जब अनप्रोटेक्ट करते हो तो आप पासवर्ड डालते हो ना, तो आपको पासवर्ड भी डालना पड़ेगा,
तो आप प्रोग्रामिंग से हम सारा काम मैनुअली जो हम करते हैं लेंथी प्रोसेस को फॉलो करते हैं उसको वीवीए से हम इजी करना चाहते हैं, इसलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। शीट को प्रोटेक्ट करना आ गया हमारा, शीट को अनप्रोटेक्ट करना आ गया। शीट के बाद और क्या काम करते हैं, और क्या करते हैं शीट पे, शीट का कलर भी चेंज करना हमने देख लिया, शीट को ऐड भी कर लिया हमने, शीट तो वो तो कॉपी पेस्ट हो गया ना, शीट को मूव करना हमने सीख लिया। उसके बाद शीट पे और क्या पार्ट बचे हमारे, शीट बस इतना हो गया। ये कोडिंग आपको लिखनी है और कल प्लीज़ आप लोग सब मुझे कॉपी पे चेक करवाना, क्यों आपके दिमाग में कोड नहीं रहेंगे जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आप इसको हर कोई मुझे ला के एक बार चेक करवा देंगे आपने कौन कौन से कोड लिखे, अगर कोई स्पेलिंग गलत होगी तो दिक्कत आ जाएंगे। अब इसी पे एक प्रोजेक्ट करते हैं और वो आपको घर से करके लाना है, होमवर्क है आपका वो आज का, तो देख लीजिए क्या करना है। सबसे पहले मुझे एक नई फाइल क्रिएट करनी है, क्या करनी है, ये देखिए जो कल आपको ई ड्राइव में माय फोल्डर बनाना आ गया ना, कि अगर मुझे फोल्डर बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, मैं एक करके दिखा रहा हूँ, आप उसके हिसाब से मुझे करके दिखाना। कल का ये होमवर्क है आपके लिए, इसको डिलीट मार दिया, हो गया डिलीट। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि मुझे ना हमारे 2016 का पहले हमें ई ड्राइव में जाना है, 2016 का फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर हमें नवंबर का फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर हमें एक नवंबर की फाइल बनानी है, उसके अंदर जो नवंबर में कितने डेज होते हैं 30 डेज होने ना, तो उसके बाद क्या करें कोडिंग यहाँ पर 30 फाइल को इंसर्ट करें, क्या करें 30 फाइल को इंसर्ट करें और उस शीट का नाम क्या रख दें, हर शीट का नाम ऐसे रख दें शीट 1, 2, 3, 4, 5 इंडेक्स के हिसाब से 1, 2, 3, 4, मतलब इसका नाम चेंज करें। पहले आपको शीट 30 ऐड करनी है, उसका नाम क्या रखना है 1, 2, 3। तो ऐसे ही आपको अभी मैं नवंबर का बना के दिखा रहा हूँ, आप लोग किसका बना के लाओगे, जैन देन फेब पूरे ईयर का बना के लाओगे, मतलब पूरे साल का बना के लाओगे, देख लीजिए आपको अभी समझ में आएगा। सबसे पहले आप प्रोग्रामिंग में जाएंगे और यहाँ पर एक मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे इंसर्ट के अंदर मॉड्यूल्स, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सब, आपको जॉब मैंने बोल दिया जैन के नाम से बनाना है फाइल, तो जैन सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वाई इज इक्वल टू ईयर, ईयर के अंदर क्या डाल देंगे डेट, ठीक है। बट प्रॉब्लम है कि अब मुझे मंथ तो मेरा फिक्स है, डायनेमिक तो हो नहीं सकता कि मुझे जैन बनाना है फेब बनाना है मार्च, तो मैं यहाँ मैनुअल लिख दूंगा एम इज इक्वल टू क्या जैन, कुछ नहीं चाहिए ना, अब मुझे मैनुअली बनाना ना जैन फेब मार्च, तो अभी बता रहा हूँ ना इतना समझ में आ गया, तो एम क्या हो गया हमारा जैन हो गया, ठीक है। उसका डेट के लिए हमें कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। उसका आप क्या करो एम के क्या होता है जिससे पूछूंगा वो बताएगा, दिलीप एम के किस लिए यूज़ करते हैं, एम के डी आर के डी आर, आपको कोई एक नया फोल्डर क्रिएट करना है उसके लिए यूज़ करते हैं। कौन सी ड्राइव में, मैंने बोला ई ड्राइव में जाएं, कौन करने नहीं, क्योंकि डे तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो जैन नाम से फाइल सेव करनी है ना, हमें तो जैन मंथ के नाम से ही ना फाइल, तो हमें आप लोग समझते नहीं हो, तो ये तो शीट नेम है ना, यहाँ शीट का नेम आएगा 1, day 2, ठीक है ना, देन बाई इसके बाद ये क्या करेगा, सबसे पहले ई ड्राइव में जाएगा, किसका फोल्डर क्रिएट करेगा 2016 का, उसके बाद मैंने कहा मेक डायरेक्टरी, आप ई ड्राइव में जाइए कॉन्करनेट कीजिए वाई के अंदर किसका फोल्डर क्रिएट कर दीजिए जैन का, हाँ मैनुअली नहीं सॉरी एम लिख देंगे, जब हमने एम लिया है एम आ गया, एम आ गया ना, उसके बाद आप क्या करो एक नई फाइल को इंसर्ट करो, आ गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा एम के अंदर जैन में कितने डेज होते हैं, कोई महीना आपका 30 का होता है, कोई महीना आपका 31 का होता है, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, ईओ मंथ लगा लेंगे, कैसे, पहले सबसे पहले उस फाइल को सेव करेंगे, अब इस फाइल को कहाँ सेव करेंगे, एक्टिव वर्कबुक डॉट सेफ एस, देन ई ड्राइव में जाइए /concatenate किसके साथ वाई concatenate, उसके अंदर आप किसके अंदर जाओ मंथ के अंदर concatenate, देन किस नाम की फाइल क्रिएट करो एम नाम की concatenate, एंड देन इसके अंदर एक्सटेंशन डाल लो दोस्त एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करो, अब आपको ये पता करना है कि इस मंथ में कितने डेज हैं, तो
तो आप यहाँ पर लिखो डी इज इक्वल टू डे। डे क्या बताता है आपको, डे जैसे अगर मैंने यहाँ बोल दिया 22 तारीख, तो मुझे क्या बताता है वो, किसमें कौन सा डे चल रहा है, डे ये बताता है ना मुझे। अगर मैं यहाँ 30/11 लिख दूंगा तो कितना बता देगा, 30, मतलब जो भी तारीख होगी वो बता देता है। अगर मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ तो क्या जाता है आपका, तो मैंने यहाँ यूज़ करा, आ गया मेरा डे। अब मुझे क्या करना है, इसी ब्रैकेट के अंदर मुझे लगाना है ईओ मंथ। बट प्रॉब्लम है, हम ऐसे नहीं लिख सकते ईओ मंथ, क्योंकि बीवीएस को सपोर्ट नहीं करता। क्या नहीं करता, बीवीएस को सपोर्ट नहीं करता। जिस फार्मूले को बीवीएस सपोर्ट नहीं करता, उस फार्मूले को हम ऐसे लगाते हैं, एप्लीकेशन डॉट, ऐसे करके लगाते हैं, एप्लीकेशन डॉट वर्कबुक डॉट, वर्कबुक की जगह आपका आ जाएगा वर्कबुक फंक्शन डॉट ईओ मंथ। ठीक है, अगर आपको एक्सेल के कोई फार्मूले यूज करने, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एप्लीकेशन डॉट वर्कबुक फंक्शन डॉट ईओ मंथ, आ गया, इसके अंदर हमने डाल दिया डे, डे आ गया। अब मैंने बोला ईओ मंथ, अब हमें डेट मैनुअली ही बनानी पड़ेगी। क्या चीज, हाँ डे क्या करेगा, पूछो किसी को डाउट है इसमें, लेकिन कुछ फार्मूले सपोर्ट करते हैं, कुछ फार्मूले सपोर्ट नहीं करते, सम का भी सपोर्ट हो जाता है। एप्लीकेशन लगा के जैसे हमने मैनुअली जनरेट किया, तो इसको जितने के बारे में मंथ से एक बार ही बता सकते हैं, एक बार चलेगा, अभी बता दूं, एक बार अभी जो लूपिंग सिखाई थी ना, एक बार आपका नेक्स्ट नेक्स्ट हो रहा था, उसी पैटर्न में आएगा। इसको हम कर सकते हैं ना, स्कैप करके आगे बढ़ जाएगा ना फिर, स्कैप करके मतलब समझा नहीं, डायलॉग बॉक्स बना, डायलॉग बना देंगे ना इसको, स्कैप कर देगा। अभी देखो मैं अभी समझ नहीं पा रहा, अभी इंडस्ट्री मैं चाहता हूं एक बार मेरे को सारे मैंने लिखे और सारे नहीं चलेंगे, लूपिंग अभी मैं नहीं सिखा रहा आपको, मैनुअली सिखा रहा हूं। अब मैंने आपको एक्सेल में डे बनाना कैसे सिखाया था, कि डेट कैसे बनाते हैं, आप 1/ लिख दो, देन कॉन्करनेट, इसकी जगह आप क्या डाल दो, एम, एम आपका क्या हो जाएगा, मंथ जैन आ जाएगा, देन उसके बाद आपको क्या चाहिए, ईयर में आप 2016 लिख दो, या फिर इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, वाई लिख देंगे, एंड देन कॉमा 0, तो कॉमा क्या होगा, उस महीने की क्या दिखा देगा, किसका डायरेक्ट साइन नहीं लगाया, हाँ एप्लीकेशन वाला ब्रैकेट बंद नहीं हुआ है, आ गया। इधर देखिए किस किस को उसमें डाउट है, डी, अरे आप अभी अभी एक्सेल खत्म नहीं हुआ, जल्दी बोल गए आप, 20/11/2016 का इसकी लास्ट डेट चाहिए, तो हमें क्या लगाते हैं ईओ मंथ, और इसमें कॉमा 0 डालते तो इस मंथ की लास्ट डेट दिखाता है ना, मैं अगर हम मैं इसको 1 डाल दूंगा तो नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट दिखाता है, अगर इसमें -1 डाल देता हूँ तो प्रीवियस मंथ की दिखाता है, यही तो बताता है, 0 मतलब करंट मंथ। डे वाला इसलिए लगाया कि मुझे पता चले अब यहाँ डे चलेगा, अब ईओ मंथ क्या करेगा, उस मंथ की लास्ट डेट देगा, डे क्या करेगा, उस लास्ट मंथ की डेट उठा लेगा, इससे मतलब इसके बाद डी के पास क्या स्टोर हो जाएगा, डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 31। अभी देखो ना, इधर देखो, अब मुझे क्या करनी है, शीट को ऐड करना है, तो शीट डॉट ऐड, अब कितनी शीट ऐड करनी है मुझे पता है क्या, नहीं पता ना, तो कौन दे देगा मुझे, हाँ आप देखिए, हाँ हाँ अब देखिए इसका बेनिफिट क्या, अब मुझे काउंट चाहिए, यहाँ पर काउंट तो चाहिए, लेकिन अगर मैं मैनुअली डालता तो डायनेमिक नहीं होता, अगर किसी मंथ में आपका 30 होगा, किसी में 28 भी तो होगा, तो मैंने यहाँ के लिखा काउंट इज इक्वल टू डी, तो क्या करेगा, जितना मंथ होगा उसके हिसाब से डी आपको दे देगा। कंफ्यूजन तो होगी, अभी थोड़ी सी मेहनत नहीं करेंगे तब तो दिक्कत आएगी। इसके बाद एक कोडिंग और लिखनी है, उस पर करना है माइनस शीट डॉट काउंट। अब क्या प्रॉब्लम है, आप सर आप शीट माइनस काउंट क्यों करवा रहे हो, सपोज जब भी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो तो उसमें क्या होता है, आपकी 3 एप्लीकेशन ओपन होकर आती है ना, 3 फाइल, अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो आपके एक्सेल में कितनी फाइल हो जाएंगी, 33 हो जाएगी, क्योंकि 3 तो आपकी बाय डिफॉल्ट ओपन होती है, उसके बाद आपकी 31 और आ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी आपकी, 34 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर कोड लगा दो
शीट, जितनी आपको शीट इंसर्ट करनी है उसके बाद जितनी भी शीट है उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो, मतलब डिलीट कर दो या फिर माइनस कर दो। तो अपने आप 31 को रखेगा, बाकी सबको डिलीट कर देगा। जैसे आपके पास अभी 34 फाइल हैं और आपके मन में कितनी होती हैं, 31 होता है, तो आपकी जो 3 फाइल हैं उसको डिलीट कर देगा। तो 3 तो आपकी बाय डिफॉल्ट ओपन में आती है ना, उसको तो आप शुरू में डिलीट करो या प्रोग्रामिंग से डिलीट करो। अब इस 12 फाइल बनेंगी, फाइल ये होती हैं, शीट आपकी ये है, एक फाइल के अंदर हमें 30 शीट चाहिए, एक वर्क बुक के अंदर हमें 30 फाइल चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना है, सभी का नाम चेंज करना। देखो एक प्रोग्रामिंग मैंने आपको सिखाया नहीं, अगर आपको शीट का नेम चेंज करना है शीट, देन आपको यहाँ मैनुअली लिखना पड़ेगा, कैसे, शीट इंडेक्स नंबर 1.name। अब शीट का नेम चेंज करना है तो उसके लिए होता है शीट 1। अब इसमें देखो मैंने कौन सा प्रोग्राम यूज करा है, मैंने कोडिंग का, शीटिंग का कौन सा मेथड यूज करा है आपका, सेकंड वाला, कौन सा, इंडेक्स नंबर। मैंने कहा शीट का जो पहला नंबर हो उसका नाम क्या कर दो आप, 1। ऐसे मुझे शीट का हर नेम चेंज करना पड़ेगा, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करते जाएंगे कंट्रोल भी, ऐसे हमें शीट का नेम चेंज करना पड़ेगा। 30 बार, बिल्कुल 30 बार। इसको एक लाइन की कोडिंग है इसकी, लेकिन वो आपको सिखाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि आपको वो आएगा ही नहीं। बताने को अगर यही तो बात अगर बताने की आएगी तो एक, हाँ जैन के लिए बनाए, अभी फैब के मार्च के लिए वो आपको बना के लाना है घर से, वो तो लेने तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सीख रहे हो ना अभी। आपको कितने हो गए काउंट करा किसी ने, मैं नहीं, 2 1 3 4 कल आके चेक करवा देना कि इसके बाद आगे जो नया टॉपिक आ रहा है वो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये भी इम्पोर्टेंट था, अब ये दिक्कत आ गई, एक दिक्कत हो गई, 10.name अभी धीरे जब प्रोग्रामिंग करने सीखोगे ना तब पता चलेगा ये क्यों कर रहे हैं। नहीं बनेगी ना, इधर देखिए, अरे अभी कुछ दिक्कतें आप लोगों को नहीं समझ आएगा, अभी दिखा रहा हूँ उसको देख लीजिए, जो आप लोग बोल रहे हैं सारा वो अपना वो नहीं पैटर्न बनेगा जो आप लोग बोल रहे हो कि सर इसको एक्सेल से ले जाओ, ठीक है। मैंने कॉपी पेस्ट इसलिए करा क्योंकि इसमें मेरे पास एक गलती हो गई, ये देखो आप देखे ना आपके माउस में, ये मेरा जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हो ये किसी पे क्लिक करूंगा तो डिलीट कर देगा उसको, तो इसलिए मुझे ना सबको ऐसे करना पड़ रहा है। आप यहाँ पर देखो, अरे यार 10 तो हटाई दिया मैंने, 10 गायब ही कर दिया, 10 को आगे बढ़ा दिया मैंने, फिर उसको ध्यान ही नहीं दिया। ये कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग जब हम लोग करते हैं ना तो आगे चीज़ों को भी फॉलो करते चलते हैं, आप लोग कर रहे नहीं हो रहे और गलती हो रही, हंस रहे ऊपर से आप लोग। जब आप ये फाइल बनाओगे ना आपको अगर वीबीएस समझ में आने लगी तो आपको मजा आएगा इसको करने में। इसके नए ऑप्शन नहीं है, याद रखें जब आप प्रोग्रामिंग सीखोगे ना तो आगे आपको काफी मजा आएगा इसको करने में। हो गया, दिखा रहा हूँ, 2 मिनट रुको, तो एक फाइल तो बन जाए पहले, ये घर से कल बना के लिए आना सब, क्योंकि ये इसका तो ये इंडेक्स नंबर है, इसका नेम कैसे चेंज करना है, मैं 1 2 सारा गलती कर रखा है मैंने, नहीं ऊपर से ही गलत, अभी एक मिनट आपको पूरे कोड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आराम, बस ये कोडिंग पूरी कर लूँ क्योंकि गलतियाँ हो रही हैं, अब 10 नहीं लिखा यहाँ मैंने।
नहीं होता ब्लास्ट तो वही करता, पर इसमें है ही नहीं, वो है ही नहीं इसके अंदर। कोई बीच में काउंटिंग मिस तो नहीं हुई है? दिलीप हाथ उठा रहा है, कोई काउंटिंग मिस हो गई? अब हो गई। जैन 31 का होता है ना, उसके बाद ये हो जाए, उस फाइल को क्या करो, इस फाइल को एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव, फिर उसके बाद एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज, देन इक्वल टू ट्रू आ गया। आप देखिए इस प्रोग्रामिंग को ध्यान से आप लोग, चल जा। हाँ ये देखिए, अब पहले ये चलेगा माइक्रो, आपका ईयर आ जाएगा, ईयर के बाद आपका क्या आएगा जैन, फिर एक फोल्डर क्रिएट करेगा, उसके अंदर किसके अंदर, ई ड्राइव के अंदर, मंथ आ गया, एक नई फाइल को ऐड करेगा, आपकी फाइल ऐड हो गई, ठीक है। फिर आपकी डी पे आएगा, अब देखो यहाँ पर शीट आ गई, अब देखो डी पे कितना स्टोर हो गया आपका 31, तो इसका मतलब डी आ गया, कितना हो गया आपका डी, मुझे कितनी फाइल ऐड करनी है 31 माइनस जितनी भी मेरी एक्स्ट्रा हो। तो अभी देखिए एक साथ आपकी 30 फाइल इसने ऐड कर दी, अपने आप ऐड हो गई। अब देखो हर फाइल का नाम चेंज कर रहा है, पहले नाम का फाइल का नाम क्या कर दिया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बाकी काउंटिंग। हाँ वो नेम चेंज है, कॉपी पेस्ट कर, देखो अब सबका नाम चेंज होता जा रहा है। माइक्रो F8 से रन कर रहा हूँ, करने को तो मैं एक बार में भी रन कर सकता हूँ। हाँ मतलब इसका अभी इसका नेम क्या है शीट, ये नेम था ना, देखो अभी ये क्या नेम है इसका, ये देखो ये कैप्शन नेम कितना है आपका 10 है, 10 है, मैंने कहा जो 10 लिखा हुआ है ना उसका नाम चेंज करो, अब यहाँ हो जाएगा 32, 33, 34, 35, 36, 37, यहाँ पर देखो ना अभी फाइल आपको दिखेगी नहीं क्योंकि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, काफी कहाँ पर हो गए 28, इसका 29 हुआ, फिर 30 हो गया, फिर फाइल कितनी हो गई 31 हो गई। उस फाइल के बाद इस फाइल को क्या करेगा, सेव करेगा, सेव हो गई हमारी फाइल, उसके बाद उस फाइल को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा एंड देन एग्जिट। आप देखिए आप डी ड्राइव में जाइए, ई ड्राइव में जाइए, आपके पास 2016 के अंदर जैन के अंदर जैन फाइल को देखिए, आप ये देखिए आपके पास नंबर ऑफ शीट कितनी इंसर्ट हो गई, आ गई एक बार में प्रूव तो आए, लेकिन आप एरो से बढ़ाओगे तो ऐसे आगे फोल्डर में मॉड्यूल का है, आ तो गई 30, जैन फाइल बनी है, फाइल के अंदर कितनी शीट है नंबर ऑफ मेरी 30 है ना, क्या दिक्कत हो गई। तो अब आप कह रहे हो कि सर मैं कैसे करूंगा इसको, अब आपको करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको पूरे इसको अगर आप सीखना है तो कॉपी पेस्ट कर लो सिंपल, आप जहां जहां जैन है वहां आपका फैप कर देना, आपका काम हो जाएगा। बट मेरे मेरे हिसाब से आप इसको कॉपी मत करना, अपने हिसाब से इसको करना, मतलब अब जैसे आपको फैब का बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस आपको फैब बस और पूरे फार्मूले को कॉपी पेस्ट कर लो, बस कॉपी पेस्ट कर लो, और जहां जहां आपका जैन था वहां आप क्या कर दो फैब कर दो, जैसे आपका यहाँ जैन था फैब कर दो बस, और कहीं तो नहीं है ना, अपने आप हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट बनाओ, हाँ हाँ क्योंकि फैब आएगा तो आपका क्या बन जाएगा, एम क्या हो जाएगा फैब, और फैब में आपका ईयर आ जाएगा, हाँ अपने आप कर लेगा, ठीक है। आगे समझ में इतना, किसी को प्रॉब्लम है ये कल बना के लाना। अब सर अगर मुझे एक बार में ही 12 फाइल बनानी हो तब क्या करें, तो आप मैंने अभी आपको एक तरीका बताया था ना, सबसे एंड में आइए और लिख दीजिए, नहीं ऑल कुछ भी डाल दो, ऑल माइक्रो कुछ भी डाल दो यहाँ, ठीक है मैं पर्टिकुलर नाम डाल रहा हूँ, उसके बाद जो भी आपके माइक्रो का नेम है जैन फैब मार्च जो भी यहाँ नेम होंगे वो डाल दो बस,
ये एक बार में आपकी सारा फाइल रन कर देगा ना। अगर आपको मैनुअली रन करना पड़ेगा, फिर आप जेन में जाओगे, फिर आपको फैब को, ये मतलब नेम है, माइक्रो नेम है, कुछ भी आ गया है, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग फटाफट वीडियो दीजिए एंड देन मैं इसको डाल के आप लोग